तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वीएच सेट के बारे में, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सेट हमने ओपन कर लिया है। तो ये है क्लैंप, 5 क्लैंप रखते हैं, 5 रखते हैं आर्टरी फोर्सेप लॉन्ग, और 5 रखते हैं एल एस टिश्यू फोर्सेप, और 5 रखेंगे मॉस्क्यूटो फोर्सेप्स, और एक रखेंगे लेंजनबैक रिट्रैक्टर, ये रखा है, और 5 रखेंगे लॉन्ग एल एस टिश्यू फोर्सेप्स, 5 रखेंगे लॉन्ग एल एस टिश्यू फोर्सेप्स, और एक रखेंगे वॉल्सेलम फोर्सेप्स, ये रखा। एक रखेंगे बॉल, और एक रखेंगे यूटेराइन साउंड, और 2 रखेंगे सिम्स स्पेकुलम, और 5 रखेंगे स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स स्मॉल, और एक रखेंगे स्पंज होल्डर, एक रखेंगे निडल होल्डर, और एक रखेंगे टूथ फोर्सेप्स, एक रखेंगे क्लैंप या लॉन्ग आर्टरी, और एक रखेंगे फाइन सीजर, एक स्मॉल फाइन सीजर रखेंगे, और एक रखेंगे नाइफ हैंडल या बीपी हैंडल। तो फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रूमेंट है, और हम टॉवल क्लिप भी रख देंगे, और एक रखेंगे बैबकॉक फोर्सेप। तो फ्रेंड्स, ये हैं वीएच इंस्ट्रूमेंट सेट। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी सेट की वीडियो अगर देखी हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट नेम एंड यूजेस के बारे में। मोस्टली वही इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा बहुत चेंज है, तो आप वहाँ से इनका यूज़ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक रखेंगे हम कट सीट, तो फ्रेंड्स 3 गाउन रखते हैं हम, ये आपके हो गए 3 गाउन। अब इसमें एक प्लेन सीट रखना और बाकी है, वो मैं अभी रख रहा हूँ। फ्रेंड्स, 3 हम मॉप रखेंगे, जैसे स्पंज भी बोल सकते हैं, फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, मॉप हो गए, कट सीट, प्लेन सीट और गाउन भी हो गए। अब इसमें सक्शन कॉटरी और सर्जिकल ब्लेड और वाइक्रिल भी रखेंगे। एक रखेंगे हम सक्शन पाइप, और एक रखेंगे कॉटरी लीड, और एक रखेंगे सक्शन नोजल, ये देख सकते हैं आप। ये सभी स्टेराइल होते हैं, इसलिए चीटल फोर्सेप से इन्हें पकड़ते हैं। फ्रेंड्स, 6.5 नंबर का ग्लव्स खोलेंगे। तो ग्लव्स खोलने का तरीका ये है, इस तरीके से हम ट्रॉली पर डालते हैं ग्लव्स।
ऐसे नहीं होना चाहिए। दो गोले इस तरीके से मैंने बोला, इस तरीके से डाल दिया सर्जिकल ब्लेड, इस तरीके से बोले फ्रेंड्स ये है वाइट में ये नंबर, और इसे इस तरीके से बोले इस तरीके से और इस तरीके से डाल देते हैं। 100 ml एनएस डालते ये डाल दिया हमने 100 ml एनएस और 10 ml की सिरिंज डालते हैं। टेबल की पोजीशन बनाते हैं, ये पोजीशन रहती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।